कुछ दिन पहले की ही बात है, सॉफ्टबैंक के सीईओ मासायोशी सोन ने कहा था कि इस साल उनका फंड पिछले साल के मुकाबले बस एक चौथाई पैसा ही स्टार्टअप में लगाएगा। वजह है 2021-22 में सॉफ्टबैंक को रिकॉर्ड 13 अरब डॉलर का लॉस होना। लेकिन इस फैसले से सबसे ज्यादा बेचैन भारतीय स्टार्टअप्स हैं। दरअसल सॉफ्टबैंक भारतीय टेक स्टार्टअप में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। इसके भारत में 14 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश है। सॉफ्टबैंक का फैसला भारतीय स्टार्टअप्स पर टूटे मुसीबतों के पहाड़ की एक बानगी भर है। पिछले साल तक ग्रोथ, फंडिंग, एम्प्लॉयमेंट और यूनिकॉर्न बनने की हुंकार भर रहे स्टार्टअप्स का मार्केट इन दिनों बेजार होता नजर आ रहा है। अब फंडिंग सूख गई है, ग्रोथ और प्रॉफिट पर मुश्किल के बादल छाए हैं, वैल्यूएशन पर इन्वेस्टर को भरोसा नहीं है और जो स्टार्टअप्स लिस्ट हो गए हैं उनके शेयर औंधे मुंह पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? गुजरे वर्षों में सपोर्टिव माहौल से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया और ये बाजार 12-15% की रफ्तार से बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वे 2021-22 की माने तो फिलहाल देश में 14,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और स्टार्टअप्स धड़ाधड़ यूनिकॉर्न बन रहे हैं। मई शुरुआत में न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म ओपन के तौर पर भारत को 100वां यूनिकॉर्न मिला है। लेकिन स्टार्टअप्स की राह में मुश्किलों का दौर पिछले साल से शुरू हो गया। सबसे पहले आईपीओ लाने वाले स्टार्टअप्स बाजार में आते ही पसर गए। इन कंपनियों की वैल्यूएशन को लेकर दावे बेमानी साबित होने लगे। जोमैटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार जैसे स्टार्टअप्स तो आज की तारीख में अपने इशू प्राइस से भी नीचे चल रहे हैं। वैल्यूएशन की चिंता ने फंडिंग करने वालों के हाथ रोक दिए। इंडियन स्टार्टअप्स ने इस साल मार्च और अप्रैल में 5.8 अरब डॉलर जुटाए हैं। पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले ये रकम 15% कम है। 2021 में नए फंड्स के तौर पर भारत के टेक स्टार्टअप्स ने 35 अरब डॉलर जुटाए थे। इन स्टार्टअप्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मसलों ने भी सबको डरा दिया है। भारत पे पर हुई फजीहत से आप वाकिफ ही होंगे। अब मसला कैश बर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी का। जोमैटो समेत नई पीढ़ी के ज्यादातर धंधे कैश बर्निंग पर टिके हैं। इनके प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी का कोई पता ठिकाना नहीं। 100 यूनिकॉर्न्स में से बस 23 ही प्रॉफिट दर्ज कर पाए हैं। असर ये है कि नई कंपनियों की फंडिंग टाइट हो गई है। हालात मुश्किल हुए तो स्टार्टअप्स ने नौकरियां खत्म करना शुरू कर दिया। कास्ट 24 ने अभी 600 लोगों को नौकरी से निकाला है। एडटेक वेदांतु ने मई में ही 2 राउंड में 624 लोग निकाले हैं और ये फहरिस्त लंबी है। क्या भारतीय स्टार्टअप्स के लिए आने वाला वक्त मुश्किल है? इसका जवाब निश्चित तौर पर हाँ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दशक को टेकेड माना है और उन्होंने इसके अंत तक देश में 60,000 स्टार्टअप्स होने की उम्मीद जताई है। लेकिन ये सपना तभी हकीकत बनेगा जबकि वैल्यूएशन से लेकर प्रॉफिटेबिलिटी तक के मोर्चे पर ये स्टार्टअप्स खुद को धुरंधर साबित करेंगे। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा।